सो हे गाइस, सैमसंग ने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है, सैमसंग जी फ्लिप 4 और सैमसंग जी फोल्ड 4, और जितने भी बड़े टेक यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इन फोन्स का फर्स्ट रिव्यू शेयर कर दिया और उन सभी के ओपिनियन और उन्होंने क्या कहा है इन फोन्स के बारे में वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको अलग अलग वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उस सिमरन और आप देखकर टेक्सचर चैनल, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम सैमसंग जी फ्लिप 4 की बात करते हैं, इन बड़े टेक यूट्यूबर्स का क्या कहना है इस फोन के बारे में, जैसे टेक बड़े ट्रैक एंड टेक और टेक्निकल गुरुजी, इन्होंने क्या कहा है इस फोन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस फोन के मेन फीचर्स क्या क्या है। इस फोन की फ्लिप क्वालिटी काफी ज्यादा इम्प्रूव कर दी गई है, जैसे कि इंचेस, जिसमें आप इसको कितना भी फोल्ड कर सकते हैं। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 देखने के लिए मिलेगा। इस फोन की बैटरी लाइफ को काफी बढ़ा दी गई है, जैसे 3300 से 3700 mAh तक बढ़ा दी गई है। 6.7 FHD प्लस डायनामिक अमोल 2X डिस्प्ले है। इसमें आपको 8GB रैम और 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा। अगर आप इस फोन के बैक पैनल के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और इसे बहुत ही छोटा बना दिया गया है स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 4 में। अब हम देखते हैं इन यूट्यूबर्स की क्या। सबसे पहली चीज, फ्लिप के अंदर हिंज को रिफाइन करा गया। अब इसको आप किसी भी एंगल पे, यहाँ पे एकदम पास में, थोड़ा बीच में, थोड़ा और बीच में, एकदम अगर आपको लिटा के रोकना हो वो भी कर सकते हो। हाथ में पकड़ने में हैंड फील थोड़ी सी बेटर है, तेज फील होगी, स्क्रीन हल्की सी बेटर लगी, बट ओवरऑल जो स्मार्टफोन की फील है हैंड के अंदर वो काफी हद तक अच्छे प्रीमियम स्मार्टफोन वाली फील देता है। एक मेरे को काफी अच्छी चीज लगी, इसमें बैटरी का एक इंक्रीज करा गया है। पिछली बार 3300 mAh थी, इस बार 3700 mAh है। तो एक आगे सेल्फी ले सकते हो, काफी कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन पे नए विडर्स हैं, आप क्विक सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, और बैटरी इंक्रीज, ये सारी नई चीजें इसलिए ऑन हो पाई क्योंकि इसमें हिंज है, उसका पूरा मैकेनिज्म चेंज करा गया है और उसको एकदम ही भी आवाज नहीं करता है, बिल्कुल ही स्मूथ है। काफी अच्छा, जो हाइड्रोलिक वाली होती है ना वैसी मेरे को फील दे रहा है। प्यारा सा ये फोन हो, बट जब मौका मिले आप ऐसे करो और फोन आपका ऐसे हो जाए, मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा कमाल लगता है। फिलहाल ये फोन भी काफी कमाल लगता है। देखो फिजिकली दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं गैलेक्सी जी फ्लिप 3 के कंपैरिजन में। आपको काफी सिमिलर डिजाइन मिल रहा है, सिमिलर फॉर्म फैक्टर भी है, और काफी कुछ चीजें बटन वगैरह आपको सेम सेम से ही मिलने वाले हैं। बट हाँ, इन हैंड फील थोड़ी और बेटर हुई है बिकॉज ऑफ थोड़े से और यू नो स्क्वायर्ड एजेस, हिंज जो है वो थोड़ा सा मेरे को और बेटर फील हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो वेट है वो फिलहाल 187 ग्राम का, मतलब आई मीन दिस फोन जो है इज टारगेटेड मोस्टली टुवर्ड्स लेडीज, यू नो मोस्टली टुवर्ड्स फीमेल यूजर्स, और आई थिंक ये एक अलग टाइप की लाइफस्टाइल को ऐड करता है। मैंने यूज किया तो काफी मजा भी आया था। वैसे यहां पर बात करते हैं कि बटन्स और पोर्ट्स की, तो हमारे पास में फोन अगर ऐसे पकड़े तो राउंड में बात करें पीछे, तो यहां पे आपको ऐसा ही बिल्कुल मैट फिनिश मिल जाती है, लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास की नो प्रोटेक्शन फोन को बचाए रखने के लिए। इसी तरह से बंद करेंगे तो आपको यहां पे ये हिंज के ऊपर सैमसंग लिखा मिलेगा, मतलब फोन का डिजाइन को इस तरह से फ्लिप करता है, दैट्स व्हाई द नेम फ्लिप 4। और फिर हमारे पास दोस्तों यहां पे है ये एक ड्यूल कैमरा सेटअप जो कि है 12+12 मेगापिक्सल का, एक है स्टैंडर्ड, एक है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ। में कैमरा थोड़ी सी ऊपर बाहर निकल रहे हैं, लगता है यहां पे कुछ और इंप्रूवमेंट्स किए सैमसंग ने साथ में फ्लैश। और फिर यहां दोस्तों ये हमारे पास में एक छोटा सा स्क्रीन है जहां पे आप कुछ चीजें जो है वो अपनी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ विजेट्स वगैरह लगा के, ठीक है बिल्कुल सेम है जैसा जी फ्लिप 3 में था। यहां पे नथिंग न्यू, इसको आप ऐसे बंद करके जाली पूरी तरह सीधा अपनी नजरों से साइड कर सकते हैं। हमारे दोस्तों यहां पे लगा है एक 10 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि आता है इस तरीके से एक नो कंट्रोल के साथ। ओ वाओ, वो जो फ्लैट साइड है, दोनों ही फोल्ड और फ्लिप में जो साइड्स फ्लैट हो गए उसकी वजह से जब आप हाथ में लेते हो ना, यू फील मच मोर कॉन्फिडेंट और अच्छा भी लगता है। एंड जी फ्लिप 4 के बारे में बात करूं, वाओ इट रियली फील्स लाइक, बहुत ही लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट है, और कलर्स भी क्या आए हुए हैं इसमें, स्पेशली ये जो बड़ा पर्पल कलर है। दोनों ही फोन्स में मुझे जो कलर वेरियंट चाहिए थे वही मिले, 4 के जैसे ही 8+ Gen 1 पे भी आता है। और अगर वेरियंट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसमें भी 3 वेरियंट्स आते हैं, 8/128 बेस वेरियंट है, 8/256 एंड 8/512 भी आता है। इसकी जो प्राइस आई हुई है दैट इज $999 जी, $1000 का, इसका मतलब इंडिया में जब आएगा अगेन अबाउट 85,000 सिमिलर प्राइसिंग टू। अब हम बात करते हैं सैमसंग जी फोल्ड 4 की, ये भी फ्लिप की ही तरह है, इसके भी फोल्ड इंचेस को काफी इंप्रूव कर दिया गया है, जिससे कि आपको कितना भी फोल्ड कर सकते हैं। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टिस मिलेगा और इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है। चलिए जानते हैं, जब ये फोन हाथ में लिया जी फोल्ड 4, तो मुझे ये फोन ज्यादा पॉलिश लगा, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी ज्यादा अच्छी लगी। एंड देयर इज अ रीजन, लॉन्च इवेंट में उन्होंने बताया कि ये जो हिंज है वो अभी ज्यादा छोटी हो गई है, पतली हो गई है, हल्की हो गई है, जिसकी वजह से फोन का जो वेट है वो भी कम हो गया। एंड यू कैन नोटिस दैट, अगर आप जी फोल्ड 3 हाथ में लोगे और इसे हैंड, शायद इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना दैट इज मच बेटर। और अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में ही बात कर रहा हूं तो बता दूं कि शाइनी आर्मर्ड एल्यूमिनियम फ्रेम आती है इसमें। एंड अगर आप खोलोगे तो ये जो बेजल्स हैं, आगे के कवर के जो बेजल्स हैं और अंदर के बेजल्स हैं, बहुत ही पतले हो गए हैं। यस, यू कैन सी दैट, पिछले जी फोल्ड 3 में जो नीचे की चिन थी थोड़ी बड़ी थी, बट नाउ इट इज यू नो ऑल यूनिफॉर्म एंड थिन। वैसे जी फोल्ड 4 में 3 बढ़िया कलर्स आए हुए हैं, एंड आई एम ग्लैड कि ये जो ग्रीन ग्रे या ग्रे ग्रीन कलर है वो मुझे मिला हुआ है, एंड इट लुक्स गुड। इसमें वैसे बेज एंड ब्लैक कलर भी है, बट दिस इज द बेस्ट। वैसे प्राइस के बारे में, उसके पहले अगर वेरियंट्स के बारे में बात करूं तो 3 वेरियंट्स में आता है। जो बेस वेरियंट है दैट इज 12/256 एंड देन
12512 और 12 1 TB भी वेरिएंट है, लेकिन 1 TB इंडिया में आने वाला या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं है। इट वाज विद द स्टार मार्क जो उन्होंने दिखाया था हमें ग्राफिक, सो 12 1 TB का वेरिएंट भी है। जितनी भी फोटोज है इनडेप्थ टेस्टिंग है वो हम अनबॉक्सिंग में अच्छे से करेंगे। इस बार फ्लिप में फोल्ड में दोनों में कैमरा सेटअप अपग्रेड करा गया। इसमें भी अगर बैक साइड पे देखोगे हल्का सा बाहर निकल जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था। और फोल्ड में भी कैमरा सेंसर्स काफी बड़े फील हो रहे हैं। ये मतलब भाई कैमरा चेक भी हम करेंगे, फोटोज वोटोज लेंगे। मेरे को एक चीज काफी इंप्रेसिव लगी भाई, ये एक अच्छा खासा बड़ा डिवाइस है। उसके बाद भी काफी लाइट वेट फील होता है। इसमें सिंगल स्क्रीन पर यूज करना तो भाई काफी हद तक मतलब कंफर्टेबल सा स्मार्टफोन लग रहा है, मजेदार सा लग रहा है। अपना स्वाइप वाइप कर लो, ऊपर नीचे से स्क्रॉल मारना है, आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है कम करनी है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। पर ऑफकोर्स फोल्ड में जैसा होता है भाई, अंदर की साइड पे एक कैमरा है, बाहर की साइड पे एक कैमरा है, पीछे की तरफ भाई तीन कैमरे, जिससे मर्जी जोन सी सेल्फी लेनी है बैक कैमरा की तरह यूज करना आप सारी चीज कर सकते हो। और डिजाइन जैसे कि देख सकते हो पुराने वाले फोल्ड और फ्लिप उनसे काफी सिमिलर आपको भी फील होगा। हल्के हल्के चेंजेस हैं, फोल्ड पहले से डेफिनेटली काफी हल्का और कंफर्टेबल फील होता है, और फ्लिप भी अपने नए हिंज के साथ काफी मतलब एक प्रीमियम और स्ट्रॉन्ग फोन फील होता है। बट मैं ट्राई कर लिंग और हिंज मेरे ख्याल से और थोड़ी सी स्टर्डी, थोड़ी सी और इंप्रूव हुई है सैमसंग की तरफ से। तो बेसिकली आई मीन फिजिकल ओवरव्यू में अगर आप देखेंगे ना तो आपको ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जी फोल्ड 3 से अगर आप कंपेयर करते हैं। जो बटन हैं, जो प्लेसमेंट्स हैं, जो बाकी सब चीजें वो आपको अपनी जगह मिलेंगी। पीछे यहां पर दोस्तों अगेन हमारे पास में ये आता है लेटेस्ट यू नो प्रोडक्शन के साथ में कॉर्निंग की तरफ से, जहां पे ये है एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आता है फोन, जहां पे ये भी पुराने वाले वर्जन की तरह आपको मिल रहा है, जहां पे बस ये जो सेंसर्स हैं, जो लेंसेज हैं, इनका साइज हल्का हल्का सा बड़ा हुआ है, तो वो आप डिफरेंस देख पाएंगे। और हमारे पास में दोस्तों अभी है एक सैमसंग ने सामने की तरफ दोस्तों हमारे पास में ये जो आता है स्क्रीन, ये है एक 6.2 इंचेस का स्क्रीन, अगेन डायनामिक एमोलेड 2X टेक्नोलॉजी के साथ में लेटेस्ट कॉर्निंग की तरफ से प्रोडक्शन है। और यहां पे हमारे पास दोस्तों इस पंचोल स्टाइल में लगा है एक 10 MP का कैमरा सेल्फीज के लिए। वैसे कैमरा से आ रहा है जो रियर कैमरा है, अब इसमें हम 8K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं बिकॉज 50 MP का हमने सेंसर यूज कर लिया है। तो यहां पर दोस्तों ये जो स्क्रीन है इसके अंदर जो चेंजेस हुए वो ये कि सारी बातें बहुत अच्छी है इस फोन की, और ये है सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 4। एस्थेटिकली स्पीकिंग बहुत ही माइनर चेंजेस हैं पुराने वाले फोल्ड 3 से, जो कि काफी हद तक सेम था फोल्ड 2 जैसा था। तो मतलब वहां पे इंटरनल इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली हिंज वगैरह में हुए, लेकिन जो आपको वैसा फील होता है उसके अंदर ज्यादा कुछ आपको चेंजेस जो है वो नहीं मिलेंगे। फिजिकली अगर आप देखेंगे तो आपको मोटा मोटा लगेगा कि ये तो यार पहले ऐसा ही है, लेकिन हाँ फॉर एग्जाम्पल 8+Gen 1 का होना या कैमराज का इंप्रूव होना या ये जो डिस्प्ले कैमरा ये और भी अच्छा हो गया है या कवर स्क्रीन थोड़ी सी वाइड हो गई है, तो वो सब मेरे चीजें हैं। और ये है एक फर्स्ट हैंड्स ऑन लुक इसी फोन का। आप बताइए वैसे कि आपको ये फोन कैसा लगा और आपके लिए फेवरेट फीचर क्या है इस फोन का। मेरे ख्याल से दिस फोन इज फॉर ट्रू प्रोफेशनल्स जिनको अपना काम करना है, एक साथ आप मल्टीपल एप्स वगैरह खोल के वो सारे जो काम कर सकते हैं एंड्रॉइड स्क्रीन पे वो एक ऑप्शन है, या फिर दिस फोन इज फॉर पीपल हु लव एंटरटेनमेंट, या फिर पीपल हु लव लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, बिकॉज आई मीन डेफिनेटली यार इट्स अ पीस ऑफ आर्ट और इतना ज्यादा यू नो फीचर पैक डिवाइस ये है सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 4 आपके लिए जी फ्लिप। तो गाइस अभी इन फोन्स की अनबॉक्सिंग नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द इन फोन्स की अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके जरूर जाने, क्योंकि आपके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, बहुत कुछ सीखने जाने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बेल को भी प्रेस कर देना, कोई भी क्वेश्चन सीधा इंस्टा पे डीएम करना, इंस्टा यूजर @ टैक्शा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ। और मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स।